दोस्तों दिल्ली में DSSB की तरफ से 10th पास कैंडिडेट्स के लिए बड़ी ही अच्छी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज 8 फरवरी 2024 से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनके लिए शुरू हो चुकी है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है और ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से ही कर सकते हैं। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़े लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। 500 से भी ज्यादा पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024 है। आज 8 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि 8 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। अब हम पदों का विवरण देखते हैं। ये डिपार्टमेंट का नाम है, ये पद का नाम है, ये पे स्केल है, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां हैं और ये टोटल वैकेंसियां यहाँ दी गई हैं। एमटीएस की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 194 वैकेंसियां हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 99 हैं, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में 86 हैं, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस में 64 वैकेंसियां हैं एमटीएस की, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में 32, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में 16, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 13, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स में 13 वैकेंसियां, उसके बाद प्लानिंग में 13 है, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS में 12 वैकेंसियां हैं, इसके बाद MTS के लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में 7, आर्कियोलॉजी में 6, लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में 5, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट में 4 और दिल्ली आर्काइव्स में 3। कुल 567 पदों के लिए MTS की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। DSSBonline.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। दोस्तों इन सभी के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास है। हाँ जी दोस्तों, मैट्रिक आपने कर रखी हो, पर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एज लिमिट अलग अलग है। MTS की वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो आई हुई है इनके लिए पे स्केल 18,000 से 56,900, पे लेवल 1, ग्रुप सी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। एज लिमिट अलग अलग है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पे स्केल है 18,000 से 56,900, पर एज लिमिट 18 से 25 साल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। हाँ जी दोस्तों, किसी डिपार्टमेंट में अपर एज लिमिट 18 से 27 साल है, मतलब 27 साल है, और किसी में अपर एज लिमिट 25 साल निर्धारित की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी में कॉमन है, 10th आपने कर रखी हो, मैट्रिक आपने कर रखी हो, और पे स्केल भी कॉमन है 18,000 से 56,900। तो ये दोस्तों रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है और दोस्तों 100 रुपए एप्लीकेशन फीस इनके लिए निर्धारित की गई है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहां नहीं लगेगी। रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे आपका यहां सिलेक्शन होगा। और जहां तक अपर एज लिमिट में छूट की बात है, SC ST को अपर एज लिमिट 5 साल, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व, EWS को 10 साल, PWD अगर SC ST से है तो 15 साल, PWD अगर OBC से है तो अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जा रही है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को अपर एज लिमिट 5 साल की, अगर SC ST से है 10 साल की, अगर OBC से है तो 8 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट में पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए अपर एज लिमिट 45 साल है, अगर SC ST से है तो 50 साल और OBC से है तो अपर एज लिमिट 48 साल है। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड के लिए अपर एज लिमिट 35 साल यहां निर्धारित की गई है, 40 साल है SC ST के लिए और 38 साल है OBC के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।